फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, आई शेडो। तो अगर आप मेकअप रेगुलरली करते हैं या फिर कभी कभी ही करते हैं तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू साइड इफेक्ट्स ऑफ मेकअप स्लैश व्हाट इज द थिंग दैट नोबडी टेल्स यू अबाउट मेकअप। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, मेकअप हमें अच्छा दिखने में तो बहुत ही बड़ा योगदान देता है। लाइक हम अपने सारे फ्लॉज को छुपाते हैं, यू नो, वी लुक ब्यूटिफुल, वी लुक यंग। ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हम एवरी डे मेकअप करते हैं जो हमें अच्छा दिखाती हैं, बट उसके पीछे बहुत सारा राज छुपा है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम शायद नहीं जानते हैं। तो मेकअप से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जैसे कि एक्ने, ब्रेकआउट्स, ड्राइनेस, डलनेस एंड इवन एजिंग एज वेल। यस, मेकअप से अगर हम मेकअप गलत यूज करते हैं तो उससे ये सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एजिंग भी हो सकती है इन अ लॉन्ग रन। अभी तुरंत में तो यू वोंट फील एनीथिंग, बट इफ यू यूज कॉन्स्टेंटली एंड गलत तरीके से इट कैन कॉज प्रॉब्लम टू योर स्किन। अरे बट मुझे तो पिंपल आ ही नहीं सकता है, मैं तो ज्यादा देर तक मेकअप लगा के रखती ही नहीं हूँ। बस 2-3 घंटे तक मेकअप लगाती हूँ, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती हूँ और हटा देती हूँ। तो पिंपल का तुम्हारा रिश्तेदार जो तुम्हें नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। एक्ने, पिंपल किसी को भी हो सकता है। अगर मेकअप को तुम्हारी स्किन में हार्म करना होगा ना तो वो कभी भी हो जाएगा, भले आप कितनी देर तक लगाओ। थोड़ी देर के लिए मेकअप लगाओ या ज्यादा देर के लिए मेकअप लगाओ, डैमेज इज डैमेज, वो तो कर ही सकता है। ओ हेलो, मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स ना एक्सपेंसिव होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो मुझे नहीं हार्म कर सकते। और वैसे भी मैं ये चीप प्रोडक्ट्स ना लगाती ही नहीं हूँ। ओ हेलो मिस एक्सपेंसिव मैडम, मेकअप ना मेकअप होता है, चाहे जितना एक्सपेंसिव हो, गुड क्वालिटी हो, वो स्किन केयर प्रोडक्ट थोड़ा बन जाता है। मेकअप चाहे एक बहुत अच्छे ब्रांड का हो, चाहे उतने अच्छे ब्रांड का ना हो, लो क्वालिटी हो, बट उसमें भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज जरूर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, रिलैक्स। बट ये मेकअप से स्किन ड्राई, मतलब समझी नहीं। अरे मेकअप ना स्किन का मॉइस्चर सक कर लेता है अगर हम डायरेक्ट मेकअप लगाते हैं तो, बिना स्किन को प्रेप करे या फिर बिना टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज करे। तो ये क्या करता है कि स्किन को ओवर टाइम उसकी जो मॉइस्चर लेवल होता है उसको डाउन कर देता है, और इसी वजह से स्किन थोड़ी सी ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। ये चीज तो इंस्टेंटली आपको नहीं दिखेगी, बट हाँ ओवर टाइम ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किन से मॉइस्चर सक हो जाए और आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाए अगर आप बिना प्रेप करे मेकअप यूज करते हैं तो। अब समझी, अब से मैं भी ना स्किन को अच्छे से प्रेप करके उसके बाद तब मेकअप करूंगी। बट यार मेरी स्किन बहुत ऑयली है, उसमें मॉइस्चराइजर लगाओ, प्राइमर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, सीरम लगाओ, इतना सब कुछ लगाने के बाद ना उसके बाद जब मेकअप करूंगी तो मेरा मेकअप तो बह जाएगा। तो इसका कोई सोल्यूशन तो बता दो। अरे तो किसने बोला इतनी सारी चीजें लगाने को, बस एक ऑयल फ्री लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा लो, जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह का आता है, और उसके बाद प्राइमर, कोई एक मैट फिनिश का प्राइमर लगा लो, सनस्क्रीन थोड़ी सी लाइट वेट और यू नो जो व्हाइट कास्ट ना देती हो, पहले सनस्क्रीन यूज कर लो। और अगर आपकी स्किन फिर भी बहुत ज्यादा ऑयली है तो मॉइस्चराइजर यूज करने से पहले उसको अराउंड 20-30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दो, उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज कर लो। ऐसा करने से अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना तो मेकअप बहने की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गई। बट यार ये मेकअप का एजिंग से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है? और वैसे भी मुझे क्यों एजिंग होगी, मैं तो इतनी यंग हूँ। ओ मिस यंग ब्यूटीफुल, प्री मेच्योर एजिंग का नाम सुना है कि नहीं? तो अभी बताया था स्किन ड्राइनेस के बारे में, तो होता यह है कि जब स्किन ड्राई होती है तो ड्राई स्किन ही सबसे ज्यादा स्ट्रेच होती है, और अगर स्किन स्ट्रेच होगी तो उसमें क्या पड़ेगा, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। अब समझ में आया क्या रिलेशन है? तो ऐसे ही होती है शुरुआत प्री मेच्योर एजिंग की। प्री मेच्योर एजिंग ज्यादातर 21 से 22-25 तक की एज में स्टार्ट हो जाती है, अगर आप अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट ना करें तो, स्किन के साथ साथ बॉडी को भी। बट अगर ऑयली स्किन है तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, हाँ अगर ड्राई स्किन है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओ ओके, तो मतलब जिसकी स्किन ड्राई है
बेचारे वो कहाँ जाएंगे? अरे सिंपल है एकदम, एक्सेसिव ड्राई स्किन वाले किसी भी फेशियल ऑयल या फिर फेशियल सीरम का यूज कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो कोई भी हैवी मॉइस्चराइजर जैसे कि निविया वगैरह वो यूज कर सकते हैं आपकी स्किन पे मेकअप करने से पहले। ड्राई स्किन वालों के लिए कोई भी फेशियल ऑयल फेस प्राइमर का सब्स्टिट्यूट है अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाती है प्राइमर से तो। मेकअप भी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लगेगा और हाँ बेस क्रैक भी नहीं होगा, और फेशियल ऑयल से एक बहुत अच्छा बैरियर मिल जाएगा जिससे कि मेकअप आपकी स्किन के अंदर जाके हार्म ना करे। वाओ परफेक्ट, अब तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आई होप कि आपके भी सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो कमेंट्स में भी पूछ लीजिए, आई विल आंसर एवरीथिंग। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग ह्यूज थम्स अप, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू एवरी गर्ल आउट देयर, एंड यप आई शुड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।